गुड मॉर्निंग। वैसे तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब ही रहती है, मतलब है अभी बुखार लग गई हुई है मुझे, तो इस वजह से मैं धूप में बैठ करके ना धूप सेक रही हूँ। एक्चुअली मैं खुद को सुखा रही थी, तो मैं बगल से ना एक मतलब माता रानी का डोली आकर चल रहा था। क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मुझे वीडियो बनाया। करके हम निकल गए, एक्चुअली निकले नहीं, मैं जा रही थी कचरा फेंकने, तो मेरे हस्बैंड बोले कि कुछ सामान था जो एक्सचेंज करना था, लेकिन मेरे हस्बैंड को शॉप का जो है वो याद ही नहीं था कि किस शॉप से उन्होंने लिया था, और मैं भी साथ में गई थी तो मुझे याद था, तो उन्होंने बोला कि चलो सो चलते हैं। और हम लोगों को ना मंदिर भी जाना था, हमारे घर के बगल में मंदिर है और हमें पता ही नहीं था कि मंदिर कहाँ पर है, तो हम लोग मंदिर ढूंढ रहे थे। गाड़ी में एक मच्छर था जो कि काट काट के ना हम लोगों का जो है खून पी करके मोटा हो चुका था, और जब भी मैं बैठती थी मुझे काटता था और वो निकल ही नहीं रहा था, बहुत दिनों से मच्छर था। मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी जो कि मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं आया। से वापस आते हुए शॉप से आ करके मतलब मैं मुझे हस्बैंड जो है वो मुझे आधे रास्ते में उतार के और चले गए, एक्चुअली आधे रास्ते में नहीं घर के पास छोड़ कर चले गए, उनको बहुत ज़रूरी काम से जाना था, तो मैं ऐसे पैदल चल रही हूँ। ये है मेरा रूम जहाँ पे मेरे कपड़े लटके हुए हैं, पता नहीं ये गेट मेरे से खुलता ही नहीं है, तो ज़्यादा ही अजीब सा है। ये स्लीपर मतलब चप्पल पता नहीं किसका है, मैं बार बार उसको ना साइड कर देती हूँ, लेकिन फिर से वो आकर के वापस ही ना मेरे हमारे गेट के सामने आकर के पता नहीं कौन रख देता है। मुझे बहुत चिढ़ आता है कि मैं बार बार हटा दे रही हूँ और लोग आकर के फिर उसको वहीं रख दे रहे हैं। अभी हम लोग गए थे मंदिर क्योंकि वो चंदा देना था मंदिर में, जो जब आए थे वो लोग मांगने मतलब चंदा माता रानी के लिए, तो क्या हालत हो गई है, तो हम लोग मतलब मैं दे नहीं पाई थी, मैं बोली थी कि मैं आ करके मंदिर में दे दूंगी, तो फिर मैं गई, मैं और मेरे हस्बैंड गए अभी मंदिर और चंदा देने। वो वहाँ की क्लिप मैंने जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ की वीडियो जो है वो ना बनाए तो ही अच्छा है कुछ मतलब, और ख़ास करके भगवान के भगवान की जब बात हो तब तो बिल्कुल भी ये सब चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। तो अभी वहाँ से आई हूँ तो मुझे आधे रास्ते में मेरे हस्बैंड छोड़ के गए हैं क्योंकि उनको बहुत लेट हो रहा था, कुछ बिल वगैरह बनवाना था तो सीए के पास उनको जाना था, तो मुझे छोड़ करके आधे रास्ते में चले गए। मैं धूप में चल के आई हूँ, अभी हालत मेरी ख़राब हो गई है, और मैं ओ नो क्या गिरा, अरे यार हवा से सारा डब्बा वगैरह गिर गया मेरा, मैं क्या करूं, भूख भी लगी है बहुत जोरों की। फिर और वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने बोला कि रात को ना मतलब वो आरती में आने को, हमारे यहाँ तो पूजा हो नहीं रहा है तो मैं पूजा कर नहीं रही हूँ, आरती करने रही हूँ, तो फिर शाम को बोले हैं आने को आरती में, तो मेरा मन है जाने का, मैं जाऊंगी भी। और वो बोले कि भैया बोले कि दांडिया भी है, तो मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है कि मैं जाऊं दांडिया में, लेकिन देखते हैं, मेरा मन तो बहुत है, देखते हैं क्या पहन के जाना है, लेकिन मेरे पास कपड़े ही नहीं है, कपड़े तो थे लेकिन यहाँ नहीं है, क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल ये सब चीज़ को इग्नोर करते हैं क्योंकि मेरा जो क्लास है, कितना टाइम हो रहा है, 11:30 मेरा क्लास का टाइम हो गया है, मेरा जो क्लास है वो स्टार्ट होने ही वाला है, मतलब देखती हूँ। सर जो है वो थोड़ा लेट से आते हैं, तो अभी देखते हैं कि सर अभी तक आए हैं कि नहीं आए हैं।
अरे यार जल्दी जल्दी में मैं कुछ भी करने लगती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सो के उठी ना तो मुझे बहुत फीवर थी। तो क्या हुआ कि फीवर था तो मैं धूप में बैठी हुई थी, तब ना मुझे बहुत मतलब धूप का जो है वो स्मेल आ रहा था, सुगंध आ रहा था, और बहुत मतलब वो क्या बोलते उसको झाल वगैरह बज रहा था। तो मैं सोची क्या हो रहा है, तो मैं अचानक से देखी ना तो मतलब नीचे से रथ यात्रा, अब यहाँ क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन रथ यात्रा जा रही थी जिसमें माता को ना वो डोली में ले कार की तरह मतलब डोली उठा करके लोग ले जा रहे थे, बहुत सारे मतलब कलश वगैरह लेकर के जा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, अगर अगले साल मैं यहाँ पे रही ना और अगर पूजा करना हुआ अगले साल तो मैं पक्का जाऊँगी, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं जाऊँगी डेफिनेटली। और देखते हैं कि क्या होता है यार, फिलहाल तो मेरा क्लास का क्या है सीन। लेक्चर 6 है। अरे बाल ना धोने की वजह से मेरे बाल की क्या हालत हो रखी है, और अभी तो बाल भी नहीं धोना है क्योंकि आज आज सप्तमी है तो आज के दिन बाल नहीं धोना होता है, आज माता का श्रृंगार होगा तो आज नहीं कल जो है कल अष्टमी के दिन बाल धोना है। देखते हैं, क्लास शुरू नहीं हुआ है क्या, अपडेट ही नहीं हुआ है। ओप हो गया, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। गर्मी भी बहुत लग रही है, थोड़ी देर मुझे ठंडी लगती है फिर गर्मी लगती है। मेरी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और सर जो है वो आ चुके हैं तो ऊष्मा चल अनुच्छेद क्लास करते तीन हैं। हल होती है। जैसे इन्वायरमेंटल इशू उठने पर भारत अभी जस्ट मेरी जो क्लास है वो खत्म हुई है, टाइम क्या हो रहा है, 11:30 में पढ़ने बैठी थी, 2:23 मतलब 2:30 बज रहा है, भी भूख लग गया तो थोड़ा खा लेती हूँ, और बैठे बैठे मेरा हालत जो है वो ख़राब हो गया है तो थोड़ा खा पी करके थोड़ा रेस्ट करके फिर से पढ़ने बैठना है। चलो हमें जाना था दीदी के यहाँ तो मैं रेडी हो गई थी, और मुझे आज मंदिर भी जाना था। अरे हो गया, कितना आईना देखोगे, उतना टाइम तो मैं भी नहीं लगाई हूँ। माले ने ठीक बोला यार। ठीक है किसको दिखाना है, किसको दिखाना है, चलो ना, आधे घंटे से लगे हुए हो, चलो चलो अब लेट नहीं हो रहा है, ठीक है 1 नंबर। ठीक नहीं लग रहा तो बोलना, बताएंगे खेलो लगने के साथ ये पहली विकेट दिलाई। देखेगी तो बोलो तो मार कर लो, पर छपड़ी सब उधर के मार करना तो बोलो मार कर लो, पर नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, दुर्गा पूजा में मेला लगा हुआ है, दुर्गा पूजा में फेफड़ा भी लग ही रहा है, फेफड़ा ऐसा ही लगेगा, एक पंडाल लगा हुआ है इतना ही तो।
दीदी हमारे लिए इतना कुछ बना के रखी हुई थी ना, पकोड़ा और फिर खाना में इतना इतना सारा कुछ बना करके रखी हुई थी। एक्चुअली वो हमारे यहाँ पूजा नहीं होना है तो दीदी हम लोगों को खाने पे इनवाइट की थी, तो हम लोग गए थे खाने। मैं देखो कितने मज़े से खा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ रहा।